हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बम्पर वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर लगभग 833 पदों के लिए भर्ती रहने वाली है। यहाँ पर कौन कौन से लोग एलिजिबल रहने वाले हैं, तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा या फिर BBTech कर रखा है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके ऑफिशियल नोटिस में आगे जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होकर रह सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आपकी कौन कौन सी पोस्टें रहने वाली है, तो पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर, म्यूनसिपल असिस्टेंट इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की रहने वाली है। इनकी तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट में बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड ऑनलाइन फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट थ्रू द प्रोफार्मा एप्लीकेशन टू में अवेलेबल ऑन कमीशन वेबसाइट। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके शुरू हो रहे हैं 28 सितंबर से और लास्ट डेट यहां पर आपकी 21 अक्टूबर 2022 रहने वाली है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके काफ़ी डिपार्टमेंट में जो है अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पोस्टें रहने वाली हैं 434, और जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की जो आपकी पोस्टें रहने वाली हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी 399 पोस्टों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट बैठती हैं, वो बैठती हैं आपकी 833। तो इनके बारे में अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है, डिपार्टमेंट आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी रहने वाली हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे क्या मांगी गई है, एज लिमिट आपकी क्या रखी गई है और आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। डिपार्टमेंट यहाँ पर आपका रहने वाला है पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिशन भगीरथा। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर 62 रहने वाली है और क्वालिफिकेशन में आपसे कहा है कि आपका मस्ट पोजेस इन मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। पोस्ट यहाँ पर आपके असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की है, लेकिन यहाँ पर आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग में। दूसरी पोस्ट आपकी रहने वाली है असिस्टेंट इंजीनियर इन पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट में। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर 41 रहने वाली है। यहाँ पर भी आपसे मांगा गया है डिप्लोमा आपका होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहने वाली है असिस्टेंट इंजीनियर की म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ में। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपकी 13 रहने वाली है। यहाँ पर आपसे डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो भी दोस्त हमारे तेलंगाना स्टेट से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, वो लोग ही यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पर एक नंबर और दो नंबर की पोस्ट है, यहाँ पर आपसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं कहा गया है। अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है म्यूनसिपल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। डिपार्टमेंट आपका यहाँ पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर 29 रहने वाली है। यहाँ पर भी आपसे डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग में। अगर हम बात करें आपकी सभी पोस्टों के लिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की, तो मिनिमम एज यहाँ पर आपकी 18 ईयर रहने वाली है और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 44 ईयर रहने वाली है। बात करें आपके पे स्केल की, तो सैलरी यहाँ पर आपकी 45,960 रुपये से लेकर 1,24,150 रुपये रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है टेक्निकल ऑफिसर के लिए। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर 9 है। यहाँ पर भी आपसे डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग में। 6 नंबर की पोस्ट आपकी रहने वाली है असिस्टेंट इंजीनियर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर 3 रहने वाली है। यहाँ पर आपसे डिप्लोमा और BBTech दोनों मांगा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा है मस्ट पोजेस इन ग्रेजुएशन, यानी BBTech आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, अगर नहीं है तो और में करके यहाँ पर आपको दे रखा है, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में।
अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर आपकी 227 रहने वाली है। यहां पर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी रहने वाली है। इन तीनों में आपसे डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और फिर आपको यहाँ पर इसी में नोट में करके बताया है, अगर आपने डिप्लोमा नहीं, अगर आपके पास BBTech है इन ब्रांचों से, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। फिर अगली पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपकी 12 रहने वाली है। यहाँ पर भी आपसे डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपने सिविल के इक्विवेलेंट में या समकक्ष में जो भी ब्रांचें आती हैं, अगर आपने उससे भी डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ट्रांसपोर्ट रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर 38 रहने वाली है। यहाँ पर भी आपसे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी जो है नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 434। फिर अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर इन वेरियस इंजीनियरिंग सर्विस, अलग अलग डिपार्टमेंट में। फिर अब आपकी अगली वैकेंसीज रहने वाली है, नेम ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट क्या है, वैकेंसी कितनी रहने वाली है, क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है, मिनिमम एज या मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर कितनी रहने वाली है, और पे स्केल आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की। डिपार्टमेंट आपका यहाँ पर पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिशन भगीरथा के लिए। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको बता रखा है मस्ट पोजेस इन मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BBTech भी कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी सेम रहने वाली है 18, मैक्सिमम 44। सैलरी यहाँ पर आपकी जो है कुछ कम रहने वाली है। पे स्केल यहाँ पर आपका 32,810 रुपये से लेकर 96,890 रुपये रहने वाला है। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट में। 68 पोस्ट है आपकी। यहाँ पर भी आपसे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की। डिपार्टमेंट आपका यहाँ पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ का रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर 32 रहने वाली है। यहाँ पर भी आपसे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की इरिगेशन एंड कमान एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ पर आपसे जो है डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा कर रखा है या BBTech कर रखा है, तो भी आप यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। फिर लास्ट वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की ट्रांसपोर्ट रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहां पर 60 रहने वाली है। यहां पर भी आपसे डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग में। तो काफ़ी यहां पर बम्पर पदों के लिए आपकी भर्ती आई हुई है, और सबसे ज़्यादा पोस्टें यहां पर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स के लिए रहने वाली हैं। और यहाँ पर बताया गया है डिटेल्ड नोटिफिकेशन विद ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज, एज एंड स्केल ऑफ पे, कम्युनिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस विल बी अवेलेबल एट कमीशन वेबसाइट 23 सितंबर 2022। तो इनकी तरफ से ये भी प्री नोटिस जारी किया गया है। इनकी तरफ से जैसे ही डिटेल नोटिस जारी होता है, हम आपको टेलीग्राम चैनल या फिर वीडियो के माध्यम से ही सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। काफ़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं, और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन का आने दीजिए, आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।